सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ। सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया खीरी के 42वें पेराई सत्र का शुभारंभ विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण व हवन पूजन के साथ शुरू किया गया। इस अवसर पर मिल के प्रधान प्रबंधक राहुल यादव व अतिथि उपजिलाधिकारी श्रद्धा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुबोध जायसवाल तथा अमनदीप सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष चीनी मिल ने डोंगों में गन्ना डालकर नवीन पेराई सत्र 2021-22 की शुरुआत की, जिससे गन्ना किसानों व क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के नवीन पेराई सत्र के उद्घाटन में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि निघासन उप जिलाधिकारी श्रद्धा सिंह, मिल के पूर्व उपाध्यक्ष अमनदीप सिंह, गुरजीत सिंह बब्बू, बिकमेंद्र भल्ला का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। उसके बाद पूजा स्थल पर मौजूद पंडित सोनेलाल पटेल व पंडित वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों सहित उपस्थित किसानों व मिल संचालकों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कराया। पूजन कार्यक्रम के उपरांत अतिथियों ने बैलगाड़ी कांटे का फीता काटकर नवीन पेराई सत्र के लिए किसान राम गोपाल लालपुरवा की गन्ने से भरी बैलगाड़ी के बैलों को फल व मीठा खिलाया। साथ ही किसान राम गोपाल को अंगवस्त्र व नगद राशि देकर सम्मानित किया। बैलगाड़ी की तौल कराई। इसी प्रकार ट्रैक्टर कांटे पर पहुंचकर अतिथियों ने ट्रैक्टर चालक को भी अंगवस्त्र व नगद राशि भेंट स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया। इसके पश्चात मिल के पीसीएस जीएम राहुल यादव, एसडीएम निघासन श्रद्धा सिंह, डीएसपी निघासन सुबोध जायसवाल, पूर्व उपाध्यक्ष अमनदीप सिंह, विकमेंद्र भल्ला ने डोंगा स्थल पहुंचकर जीएम राहुल यादव ने नारियल तोड़ा और डोंगे में गन्ना डालकर नवीन पेराई सत्र की शुरुआत कराई। पेराई सत्र के शुभारंभ पर मिल जीएम ने अतिथियों का आभार जताया। उद्घाटन कार्यक्रम में सिविल इंजीनियर लुकमान खान, अखंड प्रताप, धीरेन्द्र कुमार, विजेंद्र सिंह, फोरमैन जसपाल सिंह, पुलिस चौकी प्रभारी पवन पाठक, सिक्योरिटी इंचार्ज अरुण कुमार चौबे, सिंगाही थाना प्रभारी राजकुमार सरोज, तिकुनिया कोतवाली प्रभारी बालेंदु गौतम, किसान गुरमीत सिंह, अजय वर्मा, आशिक अली सहित सैकड़ों की संख्या में कृषक व क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में हुआ फेरबदल। पहले मुख्य अतिथि खीरी सांसद राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को बनाया गया। किसानों के विरोध पर खीरी डीएम को बनाया गया। उनके स्थान पर अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह रहे उपस्थित। मुख्य अतिथि चंद मिनट रुककर वो भी रवाना हो गए। विशिष्ट अतिथि निघासन विधायक शशांक पटेल व चीनी मिल संघ के उपाध्यक्ष साधना श्यामू पांडे की गैर मौजूदगी भी लोगों का ध्यान बांटती रही, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ मात्र खाना पूर्ति, मिल सूत्रों के मुताबिक अभी मेंटेनेंस के कार्य अधूरे हैं। क्या होगा मिल का भविष्य? मिल अधिकारी किसानों को कर रहे हैं गुमराह। गन्ना किसानों में मिल की चिंताजनक स्थिति को लेकर बेचैनी है। लखीमपुर खीरी से जसवंत कुमार वर्मा की रिपोर्ट। चीनी मिल बल रहा है, सरकार चीनी मिल बल रहा है का जो है सत्र 2021-22 का उद्घाटन हुआ। आप पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे चीनी मिल के, तो आपका इस परिपेक्ष में क्या कहना है कि चीनी मिल चलेगी, कब तक चलेगी? जो हम साथ बता रहे हैं 25 तारीख को चल जाएगी। हाँ, 25-26 तक हम मान कर चल रहे हैं। काम सब लगभग पूरे ही हैं, बाकी जो संतोषजनक काम जितने चाहते थे उतने भी हुए नहीं है, कुछ बाकी है। 26 तारीख तक चलाने की उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है। इस चीनी मिल के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद में जो है यहाँ से जो है पूर्व जो है सीएम थे सुशील कुमार गौड़ जी का ट्रांसफ़र भी हुआ, तो आप इस भ्रष्टाचार और या क्या यहाँ तालमेल रहा, क्या है, क्यों नहीं जो है संतोषजनक काम हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? कार्य संतोषजनक हुआ, लेकिन ऐसा है कि हम लोगों का हर चीज़ की लिमिट है और मशीनरी सब पुरानी हो चुकी है, तो उसी मशीनरी को जब बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो गया होगा। बाकी कार्य उनका ठीक रहा, खराब नहीं रहा। उन्होंने कार्य चीनी मिल के लिए किया, तो हम सब लोगों ने मिलकर अच्छे कार्य किए। बाकी थोड़ा बहुत जो कमियां हैं वो आगे चलते पूरी। तो अब ऐसा है ना कि जो है पिछली कई वर्षों में जो है इस प्रकार जर्जर चीनी मिल चल रही है किसानों का, और कई बार जो है गवर्नमेंट ने बजट भी दिया कि जो है चीनी मिल का उच्चीकरण भी हो जाए, अच्छी चले, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। कि आप क्या इस बारे में? नहीं, चीनी मिल में कुछ जैसे फाइबराइजर मशीनें कुछ चीज़ें आई हैं नई, जैसे अपना 4 नंबर बॉयलर ही फंस जाता था हर बार, इस बार कुछ ठीक है। बाकी प्रयास जारी है, सब आप लोग सहयोग से अच्छी चलेगी। सुबह से ही चलेगी, 25 की सुबह से ही। 25 की सुबह से चल जाएगी। 25 की सुबह से चल जाएगी। कल सुबह का
नमो देवे महादेवे शिवाय सत्कार नमः नमः भक्ते भद्राय नेता प्रकाश मदाम मुद्र के मैया की जय मैया की जय कैसी आगे लड़का लेके जा रही है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे हरि ओम मातु भूर्तमस्तु मुहूर्तमस्तु निर्विघ्नोस्तु। आप ये गुड़ वाले कहाँ हैं? गुड़ लाइए भाई, लाओ। जय भगवान। ओम आसुहुच सानो वृषभो नभी मोघना घना क्षोभण सरखणी नाम वृखाय नमः। ये गुड़े लाओ, कपड़े कहाँ? कपड़े कपड़े अरे पहले आप खिलाते नहीं हो ना, तो आदत में नहीं है। नहीं तो गुड़ पहले तोड़ बहुत पसंद करते हैं। तोड़ के खिलाओ, इधर इधर आप हम लगा दें, खिला लेंगे लोग। जब ये भी गुड़ खिलाते हैं, खा लिया खा लिया दादा के लिए। देखो राजकुमार अरे कहाँ गए भाई? अलग कर दूर गुड़ खा रहा। गुड़ खा रहा चाचा जी, कला आप भी खिला दें। दोनों हैं, दोनों हैं, भगवान के नाम से आए हो। जी जी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। स्वागत है आपका। अरे 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 लो दादा, ये आप की तरफ से। कार्ड है उसका टोकन कार्ड रीडर पर रखें। कृपया टोकन कार्ड रीडर पर रखें। नहीं नहीं बस बस
ये रीड कर लेगा इससे ऑटोमेटिक किसान को कृपया टोकन कार्ड हटाए ठीक है कृपया गाड़ी कांटे पर ठीक प्रकार से खड़े करने के बाद टोल के लिए हरा बटन दबाएं क्या देख रहे तो रात में प्यार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है गन्ना कोई दिक्कत नहीं गन्ना मंगाइए।